गौतम गंभीर ने जब ये कहा कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया तो करोड़ों क्रिकेट फैंस गंभीर के इस बयान से अचंभित हो गए। आखिर गंभीर ने अपने ही साथी खिलाड़ी के बारे में बुरा कैसे बोल सकते हैं। ये बात है 2011 के वर्ल्ड कप की, जब धोनी ने छक्का मार के श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में भारत को जिताया और उस दिन भारत ने वर्ल्ड कप तो जरूर जीत लिया, लेकिन उस दिन के बाद से ही गंभीर को धोनी के इस छक्के से नफरत होने लगी। गंभीर का कहना ये है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पूरी टीम का इस वर्ल्ड कप में पूरा योगदान था, तो फिर हर बार धोनी को वर्ल्ड कप तने क्रेडिट क्यों मिलता है। लेकिन अब गंभीर को यह बात आके कौन समझाए कि खुद धोनी ने ही वर्ल्ड कप जीतने के बाद में अपने इंटरव्यू में यह बात कही कि इस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह, गंभीर, सचिन, सहवाग, हरभजन, जहीर खान, कोहली, इसके साथ साथ सभी खिलाड़ियों का नाम लिया था और इन सबको भी बहुत ही मेन रोल वर्ल्ड कप में रहा है। तो धोनी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद खुद यह बात कही है कि सभी खिलाड़ियों का इस वर्ल्ड कप में योगदान रहा है। तो अब अगर गंभीर से जाके कोई ये एक सवाल ये पूछ ले कि आखिरकार धोनी ने अपने कौन से इंटरव्यू में यह कहा है कि वर्ल्ड कप मैंने खुद अपने पिजता है। और बात रही हर बार 2011 के वर्ल्ड कप की याद में जब छक्का दिखाया जाता है, तो आपको मैं यह बात याद दिला दूं कि कोई भी वर्ल्ड कप या ट्रॉफी जीतते हैं तो उसकी याद में हमेशा लास्ट बॉल का मोमेंट दिखाया जाता है। जैसे कपिल देव की कप्तानी में 1983 का वर्ल्ड कप टीम ने जीता, तो जब भी 1983 के वर्ल्ड कप की बात आती है तो उसमें लास्ट ही वो गेंद दिखाई जाती है जब टीम इंडिया वह वर्ल्ड कप जीती है। साथ ही अगर बात करूं 2007 के वर्ल्ड कप में, तो उसमें भी वो लास्ट बॉल पर श्रीसंत का कैच दिखाया जाता है। इसके साथ साथ 2013 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी वो लास्ट डॉट बॉल दिखाई जाती है जो कि अश्विन ने डाली थी। और हाल ही में इंडिया ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता है जो कि सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन कैच जीता है, लेकिन भविष्य में कोई भी सूर्य कुमार यादव का कैच नहीं दिखाएगा, दिखाया जाएगा तो सिर्फ वो लास्ट बॉल जो हार्दिक पांड्या ने खाली निकाली है। चलिए ये बात छोड़िए, एक बार फिर से गंभीर के हाथों में टीम इंडिया कमान दी गई है, यानी कि 2024 के वर्ल्ड कप के बाद में गंभीर को हेड कोच बनाया गया है और अब आने वाले 3 सालों में देखना होगा कि गंभीर टीम को कितना ऊपर लेके जाते हैं। आने वाले समय में 2025 में टीम को चैंपियन ट्रॉफी और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है। इसके बाद 2026 में टीम को वर्ल्ड कप और साथ ही एशिया कप भी खेलना है। और बात करें 2027 में, तो 27 में टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और साथ ही 2027 का सबसे महत्वपूर्ण वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। तो अब गौतम गंभीर पर यह जिम्मेदारी होगी कि गौतम गंभीर इन 5 ICC ट्रॉफियों में से टीम के नाम कितनी ICC ट्रॉफी कर पाते हैं। अब वीडियो में गौतम गंभीर की बात छोड़ के अगर बात करें रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा ने हाल ही में बताया किस तरह से 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा आखिरी 5 ओवर में एकदम से सुन हो गए थे। ये बात है उस टाइम की जब टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका टीम की यहाँ से जीत आसानी से दिख रही थी, लेकिन उस टाइम पे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या और साथ ही अर्शदीप की शानदार बॉलिंग के चलते टीम ने यह मुकाबला 7 रन से अपने नाम कर लिया। और अब इस मुकाबले के बाद में हाल ही में जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो रोहित शर्मा का सिर्फ एक ही बयान निकल के सामने आया कि उस समय रोहित शर्मा का दिमाग एकदम से सुन हो रखा था। और अगर सही बात बताएं तो टीम इंडिया किसी फैंस को यह उम्मीद नहीं थी कि वहां से टीम इंडिया मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि उस समय डेविड मिलर और साथ ही हेनरी क्लासेन दोनों ही बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और रोहित शर्मा ने खुद ये कहा है कि हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर के लिए वहां से यह सिर्फ 4-5 गेंदों का खेल था, लेकिन इसके बाद भी टीम ने यह मुकाबला जीता और एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही लीजेंड क्रिकेट लीग ने भी वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इसके बाद में लीजेंड क्रिकेट के हरभजन सिंह को माफी मांगनी पड़ी है। इस माफी की वजह के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद में हरभजन सिंह ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। अगर इस माफी के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद में हरभजन सिंह ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें युवराज सिंह, हरभजन और साथी खिलाड़ी लंग रहते हुए चल रहे हैं। हरभजन सिंह का इस वीडियो में यह मतलब था कि वो वर्ल्ड कप खेलने के बाद बहुत ही थक चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इस बात को बहुत ही उल्टा लिया गया और यह बताया गया कि इस तरह से हरभजन और युवराज सिंह जो विकलांग खिलाड़ी हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसके बाद में हरभजन सिंह ने यह पोस्ट अपने अकाउंट से हटाई और साथ ही माफी मांगी कि अगर इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं, लेकिन यह वीडियो सिर्फ एक मजाक के तौर पे बनाया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।